बीजेपी राज में गौरक्षा एक अहम मुद्दा है। गायों को बचाने और उनके रखरखाव के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत आवारा गौवंश को गौशालाओं में लाकर रखा गया है, लेकिन इन गौशालाओं में गौवंश तड़प तड़प कर मरने को मजबूर है। इन गायों की मौत की वजह बन रही है हरियाणा सरकार की लापरवाही और बद इंतजामी। हमारी टीम ने हरियाणा के जिंद में एक ऐसी ही गौशाला का हाल जाना। यहाँ गायों की बदहाली देखकर आप भी महसूस करेंगे कि गाय माता सच में अभागी माता है। जिंदा शरीर में नजर आता पिंजर, उधड़ी हुई चमड़ी, मुक्ति के लिए पांव रगड़ते बछड़े और उखड़ती हुई सांसें बचाते मवेशी। गोवंश की दुर्दशा बीजेपी शासित राज्य हरियाणा में है। पशुपालन से यूं तो आर्थिक उपयोगिता का सिद्धांत जुड़ा है, लेकिन बीजेपी के लिए गोवंश की राजनीतिक उपयोगिता है। इसीलिए हरियाणा राज्य की खट्टर सरकार ने तय किया था कि राज्य की सड़कों पर घूमते आवारा गोवंश का 31 जुलाई तक पुनर्वास किया जाएगा। और आज देखिए किस हाल में है खट्टर के राज्य में गोवंश। क्यों तड़प तड़प कर मर रही है गाय, कैसे मृतशाला बन रही है हरियाणा की गौशाला और नंदीशाला। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश तिवारी। इस वक्त हम खड़े हैं हरियाणा के जिंद इलाके में। हरियाणा सरकार ने सड़कों पर घूम रहे आवारा गौवंशों के उत्थान के लिए एक योजना की शुरुआत की, जिसके तहत इन गौवंशों को गौशाला तक पहुंचाना था। लेकिन आधी अधूरी तैयारियों के साथ शुरू हुई इस योजना के बाद हालात ये हैं कि रोजाना गौशाला में 4 से 5 गौवंश अपना दम तोड़ रहे हैं। हमारी टीम जींद पहुंची तो देखा कि 31 जुलाई तक आवारा पशु मुक्त हरियाणा योजना लागू तो हुई, लेकिन पूरी तरह नहीं। सड़क पर गाय और सांड घूमते नजर आए। इसके बाद न्यूज 18 इंडिया की टीम हरियाणा सरकार की नंदीशाला कही जाने वाली एक गौशाला में पहुंची। लोहे का जंग लगा पुराना गेट खुला तो कीचड़ वाली पगडंडी से होते हुए गौशाला के अंदर का हाल जानने पहुंचे। झुंड में घूमते गाय और सांड दिखे, बेहद कमजोर बछड़े और गाय भी नजर आई। ये तस्वीरें देखकर आपका भी मन दया से भर जाएगा। बछड़े, गाय और बूढ़े हो चुके गोवंश के मवेशी जमीन पर अधमरी हालत में पड़े मिले। कुछ लोग इन गायों के आसपास नजर आए। ये लोग गायों को हिला डुलाकर उन्हें इस करवट से उस करवट पलट रहे थे। कोशिश इन बीमार गायों का इलाज करने की हो रही थी, लेकिन इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि हमारे सामने ही एक गाय ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद जेसीबी मशीन से गाय की लाश को ट्रक में ला दिया गया। हालत यह है कि जींद की इस नंदीशाला में रोजाना गोवंश के 5-6 मवेशी दम तोड़ रहे हैं। ऑन एन एवरेज आप यहाँ 4 से 5 गायें या बैल हैं, जो 4 से 5 की आप लगा सकते हैं यहाँ। अब इस नंदीशाला का वो हिस्सा भी देख लीजिए जिसे बूढ़े, कमजोर, बीमार और घायल गोवंश का आईसीयू कहा जाता है। कीचड़ भरी जमीन पर अधमरी गायें, नंदी और बछड़े लेटे हुए हैं। जमीन पर पड़ा गोवंश बस मौत के कगार पर ही खड़ा है। यहाँ की बदहाली की तस्वीरें हम जरूर आपको दिखा पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा यंत्र होता जिससे हम इसकी बदबू आप तक पहुंचा पाते तो शायद हम वो भी करके आपको दिखाते, क्योंकि ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि जिसके वादे
जिसके दावे सरकार ने किए थे, उसकी हकीकत क्या कुछ है? कहने को यहाँ सरकारी डॉक्टरों की तैनाती की गई है, लेकिन गायों की सेवा में लगे ज्यादातर लोगों को मेडिकल की ट्रेनिंग तक नहीं मिली। विवेक आर्य समेत गोरक्षा दल के कई युवा यहाँ साफ सफाई और अनुभव के आधार पर गायों की देखभाल करने आते हैं। कितने सालों से या कितने दिनों से आप इस गौशाला में अपना काम करते हैं? मैं 8 महीने से इस गौशाला में सेवा दे रहा हूँ। क्या क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? कुछ भी काम है, गोबर उठाना, कुछ भी सेवा, मतलब सेवा करनी है, गाय बीमार है, उपचार करना, उसका इंजेक्शन लगाने, सब कार्य कर लेते हैं। अच्छा, तो क्या आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है या फिर मतलब अनुभव की वजह? अनुभव है जी, 8 साल से अनुभव है, इसी गौ सेवा में लगे हुए हैं 8 साल से, गोरक्षा दल से हैं। सरकारी हिसाब किताब में इन पशुओं की देखभाल तो की जा रही है, तो फिर सवाल ये कि इनकी मौत क्यों हो रही है? गौशाला में गोवंश के मरने की एक वजह ज्यादातर आवारा पशुओं का बीमार होना है, लेकिन उससे भी बड़ी वजह है सरकार की बनाई गई ये नंदीशाला। इस नंदीशाला में 1000 से 1500 गाय बछड़ों को रखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल तादाद 4000 से ज्यादा है। दरअसल गायों की देखभाल के लिए जैसी जरूरत है वैसी गौशाला बनाई ही नहीं गई। गौशाला में सबसे जरूरी है टीन शेड। यह इस तरह बना होना चाहिए जो गर्मी और सर्दी में मवेशियों का बचाव कर सके और आकार में इतना बड़ा हो कि गौशाला की सभी गायें इसके अंदर रह सके। लेकिन जींद की इस नंदीशाला में 4000 गायों को बचाने के लिए टीन शेड के नाम पर कुछ मीटर का ही शेड बनाया गया है। सरकार से फिलहाल तो कोई खास अभी मदद नहीं मिली है और बस एक शेड जो आगे लगा है वो ही लग पाया अभी तक, तो चारे की कोई व्यवस्था नहीं सरकार की तरफ से। इसके बाद जरूरी है पीने के लिए साफ पानी, जिसके लिए गौशाला के एक हिस्से में गायों की तादाद के हिसाब से साफ पानी का बड़ा तालाब बनाया जाता है, जिसमें गाय नहा सके और पानी पी सके। लेकिन अब इस गौशाला में पीने के पानी का हाल देखिए, गाय मैदान में बने बरसाती गड्ढों से गंदा पानी पी रही है। एक कोने में एक छोटा तालाब भी बना है जिसका पानी काला पड़ चुका है। इसमें पास के स्कूल के शौचालय का गंदा पानी आता है। जाहिर है कि ठंड में गाय मर रही है और खाने पीने की किल्लत भी गायों की जान ले रही है। अब जरा गौशाला की एक अहम चीज चारा व्यवस्था को समझ लीजिए। गौशाला में एक चारा भंडार बनाया जाता है, यहां से चारा लेकर टीन शेड तक पहुंचाया जाता है, लेकिन इस गौशाला में उस तरह से चारा नहीं दिया जा रहा। इंतजार खत्म हुआ और अब इन भूखे गौवंशों का चारा आ चुका है। चारा आते ही कैसे आप देख सकते हैं कि ये झुंड बनाकर लाइन में खड़े हैं, अपनी अपनी बारी के इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही इनको चारा मिले इनकी भूख मिटे। सुबह से ही ये भूखे थे, इस वक्त 3 बज रहा है और 3 बजे की ये तस्वीर है कि किस तरीके से ये भूखे गौवंश लाइन में लगे हुए हैं। चारे का हाल यह है कि नंदीशाला में स्थानीय लोग अपनी क्षमता के हिसाब से चारा पहुंचाते हैं। थोड़ा बहुत चारा पहुंचते ही गायों में भगदड़ मच जाती है। चलो 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 चलो। ताकतवर मवेशी चारा खा लेते हैं, लेकिन छोटे और कमजोर इस भगदड़ में घायल हो जाते हैं। भीड़ भाड़ में भीड़ भड़के में लगी हुई है इसका चोटी है। भीड़ भड़का नहीं हो जाए, गायें जब चारा खाती है ना, जैसे जैसे इसमें खोर है, ये खोर जो बुखाने की जो बनाई है, ये डिग्गी सी जो बना रखी है, इनमें ये आपस में भीड़ भड़का हो जाती है, तो जानवर इनको क्या पता है। गौशाला सिर्फ इतने भर से नहीं चलती, बल्कि रख रखाव के लिए और भी चीजें चाहिए होती है।
गौशाला के बाहरी कोने पर गायों के गोबर डिस्पोजल का इंतजाम किया जाता है। इसके अलावा एक बड़ा सा घास का मैदान यानी चरागाह बनाया जाता है। गौशाला के एक इलाके में खेती करके चारा उगाया जाता है और गायों के घूमने के लिए कुछ जगह खाली रखी जाती है। लेकिन इस गौशाला में दूर दूर तक कीचड़ से भरा मैदान है और उसमें धसी फंसी घूमती बेहद कमजोर गाय। सरकार ने योजना बनाई थी कि इनको यहाँ पर लाया जाएगा, सड़कों से इनको हटाया जाएगा, बेहतर तरीके से इनका रखरखाव किया जाएगा। लेकिन कैसा ये रखरखाव है आप खुद देख सकते हैं, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी मेरे पीछे, कहने के लिए शब्द नहीं, लेकिन इनकी तस्वीरें बहुत कुछ यहाँ पर बयां करती हैं। गौशालाओं के रखरखाव की सीधी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है। योजना के मुताबिक सबसे ऊपर आते हैं हरियाणा के कृषि मंत्री, उनके बाद मुख्य सचिव पशुपालन, उसके बाद संबंधित जिलाधिकारी और फिर उप जिलाधिकारी। यानी जींद नंदीशाला के लिए जिम्मेदार हैं उप जिलाधिकारी मोहन प्रसाद। उन्होंने खुद माना कि यहाँ क्षमता से ज्यादा गौवंश रखा गया है, लेकिन प्रशासन इसके लिए गाँव वालों को भी जिम्मेदार बता रहा है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई न कोई किसी न किसी गाँव से आके 20-30 गौवंश हमारे यहाँ पे छोड़ जाते हैं, जिनसे उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जो मैनेजमेंट का जो हमारा सिस्टम है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। गौशाला में तैनात किए गए पशु चिकित्सकों का कहना है कि गायों के मरने के पीछे सबसे बड़ी वजह उनका पॉलिथीन खाना है। मोस्टली पॉलिथीन खाए हुए हैं, उनको जो छोटी मोटी बीमारियां उनके लिए तो इलाज चल रहे हैं। पॉलिथीन वाले का परमानेंट तो इलाज नहीं, उनका वो करवाया था पोस्टमार्टम, उनमें पॉलिथीन वगैरह ज़्यादा निकले, बाकी थोड़ी जो बीमार हैं उनका इलाज चल रहा है। 31 जुलाई तक आवारा पशु मुक्त हरियाणा बनाने के लिए प्रशासन ने चार दीवारी खड़ी करके शहर में घूमने वाले गोवंश को इसके भीतर बंद कर दिया। अब न इनके लिए चारा है, न पानी और न रहने के पर्याप्त इंतजाम। उसमें हालात ये हैं कि सरकार ने वो इकट्ठे कर लिए, ना उनका चारे का कोई प्रबंध किया, ना सर्दियों में कोई शेड का किया, किस तरह से उनका इलाज होगा। हर रोज 15 से 20 जो गायें हैं वो वहां पर मर जाती हैं। हरियाणा प्रशासन के मुताबिक 22 जिलों में 94,770 पशुओं को गौशाला पहुंचा दिया गया है। करीब 95,000 गायों के गौशाला निर्माण और रखरखाव के लिए सरकार ने महज 2.5 करोड़ रुपए जारी किए हैं। आप सर स्टेट से बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मशीनरी से बात करेंगे, जो यहाँ के हालात हैं? बिल्कुल करेंगे, और मेरे नोटिस में तो खैर अभी आपने बताया ऐसा है, लेकिन मैं पता करूँगा और कोई और साधन जुटाने की बात हुई तो सरकार को कहेंगे। हरियाणा सरकार का 1 लाख का बजट है, गऊओं पे खर्चते हुए क्या उनको परेशानी है, कर देंगे। भरोसा और आश्वासन राजनीति के पुराने हथियार हैं, लेकिन बीजेपी ने गायों का जितना राजनीति को उपयोग किया है उस हिसाब से देखें तो खट्टर साहब की गौशालाओं में रत्ती भर भी उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है।